बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मैजिकल वाइटनिंग फार्मूला जो कि आपके डार्क एरियाज़ को, यानी कि आपके हैंड्स को और फीट को, अंडर आर्म्स को, आपकी एल्बो की मतलब जो कोनियाँ हैं उनको सबको लाइटन और ब्राइटन बना देगा। यानी अगर आपके टांगें, बाजू और गर्दन कोनियाँ वगैरह डार्क हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और स्मूथली बना देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का फार्मूला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आइए इसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसको तैयार करने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए वो है जी राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। लेकिन इससे पहले हमें एक अदद कटोरी का इंतहाब करना है और उसके अंदर मैंने ऐड करना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर की एडिंग मैंने करनी है 4 स्पून। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राइस फ्लोर हैं ये आपकी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। इसमें एंटी एजिंग और एंटी फिल्मेंट्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या आपके रिंकल्स को भी इम्प्रूव करता है। सेकंड में जो हमने चीज़ लेनी है वो है दाल मसूर। दाल मसूर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर। ये मेरे पास दाल मसूर है, लेकिन आप देख रहे हैं ये साबुत है और मैंने इसका पहले से ही पाउडर एड करके रखा है। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और ये ग्राइंड करने के बाद आपके पास कुछ इस शेप में आना चाहिए। और इसके भी हमने क्वांटिटी में इतना ही लेना है जितना हमने राइस फ्लोर को लिया है, यानी 4 स्पून आपने इसकी एडिंग करनी है इसके अंदर। अब फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसूर की जो दाल है ये आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाती है। अब थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर ऐड करना है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। इसके हमने 2 चम्मच जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेने हैं फ्रेंड्स। ये आपके रिंकल्स को, ऑलिव ऑयल जो है दूर करता है, स्किन को लाइटन बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में आप जानते हैं, ये एंटी ऑक्सीडेंट है। ये हमने इसके अंदर ऐड करनी है 1 स्पून, लेकिन भर के इसको आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये रैशेस को भी दूर करता है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसको हमने जिस चीज़ के साथ इसका जो आपने फॉर्मूला जो आपने रेडी करना है, यानी जो आपने पेस्ट इसका रेडी करना है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में योगर्ट। वन टेबल स्पून ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा अभी मेरे पास थिक है, इसलिए जब आप महसूस करें कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में एडिंग और करें। योगर्ट की अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, ये ऐसा मिक्सचर है जिसको आप 10 डेज तक स्टोर कर सकती हैं। इतनी क्वांटिटी में तैयार कीजिए कि आप इसको 10 डेज तक स्टोर कर लें और आप इसको जो डेली है अपने इस्तेमाल में लाएँ, यानी अपने स्किन का मसाज कीजिए 10 मिनट के लिए। ये आप किसी भी वक्त में कर सकती हैं, दोपहर में करें, सुबह में करें, शाम में करें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसका 10 डेज तक स्टोर कर लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। 10 मिनट्स मसाज कीजिए और आफ्टर मसाज टैप वाटर के साथ आप वॉश कर लीजिए। ये सूटेबल फॉर आर स्किन है। वॉश करने के बाद आप कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अपनी स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ आपने इसका मसाज किया है अप्लाई कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये किस कदर स्मूथली सा एक पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा और ज़बरदस्त किस्म के आपको इसके
रिजल्ट मिलेंगे। इसमें तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, इसलिए ये तमाम स्किन्स के लिए सूटेबल है। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।